देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बारे में एक बात बहुत प्रचलित है कि वो जो बोलते हैं वो डेफिनेटली नहीं करते हैं, और उनकी इसी वादा खिलाफी के खिलाफ आज छात्र अपनी पढ़ाई को छोड़कर सड़क पर उतरकर बंद करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि 100% थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में झारखंडियों को नौकरी मिलेगी, लेकिन इन्होंने 60-40 की नीति कर दी, जिसके विरोध में जिन छात्रों ने इन्हें वोट देकर सत्ता में बैठाने का काम किया था, आज वही छात्र सड़कों पर हैं, पुलिस से इनकी भिड़ंत हो रही है धूप में, जब पूरा इसका पूरा जो सरकार है वो एयर कंडीशन कमरों में बैठा है। तो जिस छात्र शक्ति ने इन्हें वोट देकर सत्ता में बैठाया, आज वो धूप में सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि वो अविलंब छात्रों से वार्ता करे और उनकी जो भी मांग है उसको वो पूरा करे, क्योंकि ये उनकी ही द्वारा की जा रही वादा खिलाफी है। आप इसको ऐसे देख ले कि जो नियोजन नीति सरकार के द्वारा बनाई गई वो इस राज्य के लोगों की भावना है, और उस भावना को जब सरकार ने विधेयक के रूप में पास करा करके अनुमोदन के लिए भेजा, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा ही इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो सारे मामले हैं, इन सारे मामले के पीछे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी मंशा जाहिर कर रही है। राजभवन से जो वापस हो, मैंने क्या कहा कि इन विषयों को देखने से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि उनकी मंशा क्या है, और सरकार जो काम करना चाहती है उसमें अरंगा कैसे और किसके माध्यम से डाला जा सकता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।